हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। कैसे आप सभी हो? यू आर डूइंग गुड। एंड आज है लव स्टोरी का पार्ट 5। एंड आप लोग इतना वेट कर रहे थे, इतना सारा प्यार दे रहे थे ना कि हमसे रहा ही नहीं गया और हम पार्ट 5 लेकर आ ही गए। तो आज हम आपको मतलब हमारे लाइफ की सबसे ज्यादा मेमोरेबल, मतलब एक होती है ना शादी, बहुत ज्यादा मतलब मेमोरेबल होती है, बट ये मोमेंट भी हमारे लिए शादी से कम नहीं था। मतलब इतना प्यारा मोमेंट हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं आज। तो व्लॉग में लास्ट तक तुम बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही सारी इम्पोर्टेंट चीजें हम आपको बताने वाले हैं। छोटा सा भी चीजें आप स्किप कर देंगे ना तो आपको पूरी चीजें समझ में नहीं आएगी, तो बिल्कुल स्किप मत कीजिए, आराम से वॉच करिए। एंड इसके पहले के चारों पार्ट भी आउट हो चुके हैं, उन्हें देखिए, देन फिर इस पर आइए तो आपको हमारी स्टोरी आराम से क्लियर हो जाएगी। बहुत अच्छी चीज है जो कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगी, जिसका बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, तो शायद आपको इन ब्लॉग से आपको वो सारी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। क्लियर हो जाएगी। पार्ट में नहीं चाहती कि आप लोगों से मिस हो। क्योंकि चाहे वो हमसे रिलेटेड हो या हमारी फैमिली से रिलेटेड हो या हमारे रिलेशन से रिलेटेड हो, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में हो गया तो वो सारा कुछ इस स्टोरी से आपको क्लियर हो जाएगा। तो स्टोरी आराम से वॉच करते रहिए एंड चलते हैं हम अपने स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो 10 जुलाई 2015 हम रात में ट्रेन में बैठ चुके हैं रीवा से भोपाल आने के लिए। इनसे पहली बार मुलाकात, आज उनसे पहली मुलाकात होगी, फिर आमने सामने बात होगी, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर। अंदर इतनी सारे क्वेश्चंस, इतनी सारी उथल पुथल, इतनी खुशी थी कि जब ये निकल गई, जब इन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि हम निकल गए। बहुत सारे जो इनके, जब मैंने पिछले वाले व्लॉग में वीडियो में बताया था कि जब ये आने वाले थे रीवा मुझसे मिलने के लिए, तो मतलब जितने सारे ड्रीम्स मैंने सोचा था ना कि ऐसे रेडी होके जाऊंगी, वैसे रेडी होके जाऊंगी, मतलब फर्स्ट डेट कैसी होती है जब हम पहली बार अपने पार्टनर से मिलते हैं, तो मतलब बेस्ट देने की कोशिश करता है कि हम कितने अच्छे से अपने आप को सच सवर के जा सकते हैं। पहली बार जब सामने देख रहा हो तो, और वो भी इतने इंतजार के बाद, तो मैं सुबह होते होते इतनी बारिश हुई और वो बारिश होने की भी मैं वजह बताता हूँ आपको। जब हमारी बातें होती थी ना तो इन्होंने सॉन्ग बड़े प्यारे प्यारे गाए हैं मेरे लिए, तो ऐसे शेयर किया था एक सॉन्ग, आओगे जब तुम साजना अंगना फूल खिलेंगे बरसेगा सावन। हमारे सॉन्ग से ज्यादा नहीं, नहीं सुनिए, मैं बता रहा हूँ वो किया। और जब इनके आने का टाइम हुआ तो मैंने खुशी से बढ़िया, पहले व्हाट्सएप में स्टेटस कैसा होता था हमारी फोटो के नीचे वाली जो सिंगल एक दो लाइन है ना, तो उसमें मैंने स्टेटस लगाया था, आओगे जब तुम साजना अंगना फूल खिलेंगे बरसेगा सावन झूम झूम के। तो कसम से इस कलर का बात, मतलब बारिश हुई है ना तो सावन ऐसा बरसा है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। 10 तारीख को रात से बरसने शुरू, बोले बहुत शौक है ना तुम लोगों को स्टेटस लगाने का, लो अब मिलने का बहुत शौक है मिलने का, देखता हूँ कैसे जाते हो मिलने का। मैं सुबह 5 बजे उठा, 6 बजे मतलब 5:45 का टाइम है, 6:10 तक ट्रेन पहले आ जाया करती थी। उठा जब बाहर का नजारा देखा तो बारिश ही बारिश, चारों तरफ बारिश, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था और बहुत तेज बारिश हो रही थी। बहुत तेज, मतलब जो वो लपक के साथ गरज के साथ जो बारिश होती है ना, बहुत खतरनाक वाली बारिश जो होती है ना, वो हो रही थी बहुत ज्यादा। मैंने कहा यार क्या करूँ क्या करूँ, मुझसे सोया भी नहीं जा रहा था, रुका भी नहीं जा रहा था। मैंने कहा पहली मुलाकात है और पहली मुलाकात अगर ये बारिश की वजह से मैं रुक गया ना तो मुझे जिंदगी भर पछताना रहेगा। मैंने कुछ नहीं किया, टी शर्ट पहना, जीन्स पहना और नीचे का भी रेनकोट नहीं पहना, सिर्फ ऊपर का पहना, जैकेट हेलमेट लगाया, गाड़ी स्टार्ट किया और निकल लिया। और उस टाइम पे मेरे पास बाइक थी, कार मैंने नहीं लिया था, तो मैं निकल गया बाइक से। मतलब नीचे तो कुछ पहने ही नहीं है, लोअर, वो रेनकोट का लोअर है ही नहीं मेरे पास, तो नीचे तो जीन्स भीग नहीं है, निकल गया। मेरे को कुछ चीजें नहीं समझ में, बस दिमाग में एक ही बात थी कि यार पहली मुलाकात है, छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान कुछ भी हो जाए, ये चीज जिंदगी में दोबारा ये मोमेंट मिलेगा ही नहीं।
और मम्मी भी साथ में थी तो और भी मतलब ऑब्वियसली इनका आना बनता ही था कि मैं भी हूँ मम्मी भी, तो मुलाकात तो होनी ही चाहिए। मुलाकात भी होनी चाहिए। और फिर इतनी बारिश में ये भी था ना कि मतलब सामान लेकर आएंगे तो कैसे, क्या जाएंगे, क्या रहेगा, सारा बहुत सारी चीजें थी। तो मैंने देर नहीं किया, मैं निकल गया और ट्रेन आने के 10 मिनट पहले मैं प्लेटफॉर्म पे पहुंच के मुझे कॉल भी कर और लिया इनको कॉल भी कर इन्होंने। लिया मतलब जिसमें हम बैठे हुए थे ना जिस बोगी में। हाँ बोगी में, तो मतलब उसका नंबर मैंने ना बता दिया था कि हम इससे आ रहे हैं, तो ये एकदम उसके सामने ही जाके खड़े हुए थे और मुझे कॉल कर लिया। और फोन पे बात करते करते पहले वो भोपाल मेन स्टेशन में पहुंचती है, देन उसके बाद रानी रानी कमलापति पे कमलापति। हाँ, जिसका पहुंचती। नाम पहले हबीबगंज हुआ करता हबीबगंज था। हाँ, तो वहां से वहां तक जैसे जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ रही थी ना, हम लोग की बातें भी चल रही थी कि हाँ अब यहाँ पहुंच रहे, अब यहाँ पहुंच रहे, और और अंदर जैसे से ही धुप 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 भी हो प्लेटफॉर्म के पास रहा मतलब था। वो पटरी पे गाड़ी आते हुए दिखी और अंदर से जो धुक 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 थी ना, वो और तेज हो गई कि धक 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 धक। मैंने कहा यार बहुत ही प्यारा, और बहुत मतलब वो मोमेंट हम कभी नहीं भूल सकते लाइफ इतनी में। बारिश में भी मुझे लगा कि मैं इनसे पहली बार मिल रहा हूँ तो खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा, तो मैं कुछ लेकर गया था इनके लिए। साइड में फोटो लगा दूंगी मैं। अरे पीछे अच्छा। वो पीछे दिख रहा है ना, ये हमारी प्यार की निशानी हमारी फर्स्ट मीटिंग की फर्स्ट निशानी मीटिंग। है, ये अभी भी मेरे पास है। और मैंने इसको ऐवें ही ले लिया था, वो भी वैलेंटाइन डे के दिन। लेकिन ये था कि ये किसको देंगे राइट पता नहीं पर्सन था। राइट टाइम पर ही दिलाया जाएगा। ये टेडी बेयर मुझे बहुत पसंद आ गया था तो मैंने इसे लेकर रख लिया था अपने पास। सो ये मतलब फर्स्ट गिफ्ट था जो मैं इनके लिए लेकर गया था। एंड फाइनली ट्रेन एकदम सामने ऐसी ऐसे जाने लगी और मेरी जो नजर थी वो थी बिल्कुल विंडो साइड में कि बस ये दिखेंगी और मैं मेरा रिएक्शन क्या निकलता है क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एंड धीरे से वो बोगी सामने आई और मेरी नजर इनकी नजर में पड़ी और हम दोनों ने एक दूसरे को बस ऐसा ऐसा सिर्फ किया। वेव किया और कुछ नहीं अंदर की खुशी जो थी ना वो भगवान ही जान सकता है और हम ही जान सकते हैं। था। सही बात है। ट्रेन रुकी, मैं फटाफट अंदर गया, मम्मी से मिले फिर मम्मी के पैर छुआ और उसके बाद सामान लिया और मैं सीधे बाहर निकल के आ गया। मुझसे नहीं मिले, ये मेरी तरफ सिर्फ देखे थे। अरे यार कैसे मिल लेता, मम्मी सामने थी, मम्मी नहीं होती तो तुझे देखा तो ये जाना सनम। फर्स्ट टाइम में उस टाइम की खुशी ही ऐसी थी कि ऐसा लग रहा था कि आप वो पगा है तो मैं आपको। मैं पर फिर मैंने सामान लेके नीचे उतरा। थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना चाहिए समय के हिसाब से, क्योंकि कोई चीज आपके लिए हमेशा के लिए आ रही है तो फिर उसके लिए इतनी जल्दीबाजी क्यों। फिर सामान लेके उतरा, फिर मैंने इनके लिए जो लेकर आया था वो मैंने इनको दिया और फिर हम फिर हम निकल लोग पड़े अपने होटल की तरफ, क्योंकि तो होस्टल से मैं पहले नहीं हम लोग नहीं गए थे। होटल तो निकल पड़े। मैं सामान लेके आगे आगे चल रहा था, आप मम्मी के साथ पीछे पीछे आ रहे थे, तो वो जो पीछे पीछे वाली वार्तालाप थी वो बताइए आप। पीछे पीछे वाली वार्तालाप मतलब आप मम्मी के साथ आ रहे थे तो ऑब्वियस सी बात है कुछ बात हुई होगी मेरे बारे में, कि मम्मी कुछ बोली होंगी नहीं बोली होंगी क्या क्या नहीं, मतलब ऐसा इतने कुछ। समय की तो बात ही मुझे याद नहीं आ रही। मम्मी से पूछूंगी फिर बताऊंगी नेक्स्ट टाइम। मम्मी क्या बात हुई थी, बहुत गंदी है ये। सच्ची नहीं याद आ रही मुझे। उसके बाद की याद है ना, उसके बाद की शेयर करूंगी। फिर हम लोग वहां से पहुंच गए होटल। लेकिन जितना भी सामान था ना, पता नहीं ये कैसे, कौन सी शक्ति आ गई थी आपके पास, इतना सारा सामान अकेले लेके चले गए। हम लोग के पास कुछ नहीं था, सिर्फ हैंड बैग भी जो थे ना हमारे, वो भी ट्रॉली में मतलब रखे हुए थे, बैग्स में रखे हुए थे। हम लोग के पास कुछ भी नहीं, खाली चल रहे थे मैं और मम्मी। वो ट्रॉली बैग इतना हैवी था, उसमें कपड़े बर्तन बर्तन बुक्स सब और कुछ था, बेड का जो भी सामान रहता है, बेडशीट वगैरह सारा वो भी सारा सब कुछ कुछ था। था मैं उसमें। लेकर
आ गया, हम ऑटो कर लिए। ऑटो वाले ने जब वो बैग उठाया तो बेचारा ना उठाते ही उठाते गिरते गिरते बचा। तो तब इनको लगा कि इतना हैवी था कैसे लेकर आ कैसे गए। लेके गया उस समय सच में। अरे खुशी में कुछ पता नहीं चलता है, हम तो आपको भी उठाकर ले आते हैं बैग के साथ। तो ऐसे हुई थी हमारी पहली मुलाकात, मतलब इतनी बारिश में। फिर उसके बाद हम गए, ये इन्होंने अपनी बाइक जो है ना वो वहीं छोड़ दिए थे क्या आपकी? नहीं, नहीं, होटल तक ऑटो में हम लेकर। लोगों को बैठा दिए थे हाँ, ना मैं बाइक से ऑटो में। साथ साथ हाँ में आ रहा हाँ था फिर पीछे बाइक पीछे। से साथ में, बाद में होटल में रखे हैं आपने गाड़ी है ना। फिर उसके बाद हम लोग गए होटल, होटल में चेक रूम इन किया लिया। है, रूम में सामान वगैरह रखा है, देन फिर फिर मैं चला गया हूँ घर, हाँ क्योंकि मैं पूरा भीग भीग चुका था चुके थे। कंप्लीट। मैंने कहा मैं आता हूँ घर से। क्या कहते हैं उसके पहले, उनके घर जाने से पहले ना हमने होटल में चेक इन करने से पहले भी हम एक डॉक्टर के यहाँ गए थे जहाँ बंद था, हाँ आपको याद सुबह है? सुबह के टाइम पर। होटल ये हाँ हाँ है, हमने हाँ सामान रखा है, देन उसके बाद टाइम के उसी बाद हम ऑटो लोग से हम लोग चले गए। निकले। हाँ हाँ क्योंकि मुझे ये याद है कि आप ऑटो में बैठे थे सामने ड्राइवर के बगल वाली सीट में और हम पीछे हाँ वाले, तब भी आप वहां पे भींग रहे थे हाँ नहीं सही सही बोल रही है। है एक हम ना। लोग चले गए थे एक डॉक्टर मलिक करके थे यहाँ पर, न्यूरो सर्जन, हाँ उनसे मिलने के लिए। बट अफसोस ये था कि उस दिन वो थे ही नहीं, तो उनसे थे, मिलना ही नहीं हो पाया हमारा। बंद था गेट ही बंद था उनका। और क्या कहते हैं फिर ये ऑटो में हमारे साथ थे, क्योंकि मुझे ये याद था कि ऑटो में भी हमने पहली बार जब आप मिले तो ऑटो उसमें में भी भी सफर किए हैं, भीगे और उसमें हम भीगे लोग भीगे देख एक दूसरे को ऐसे पा रहे थे कि जो ऑटो वाले चलाते हैं ना, तो उनके एक साइड मिरर होता है ना, और मैं जस्ट यहीं पर सामने ही बैठा था, तो उस मिरर से मेरी नजर ऐसा पकड़े पकड़े बाहर भी देख रहा हूँ, फिर इनके तरफ भी जा रही, इनकी भी नजर मेरे से पड़ रही, तो मतलब वो अलग ही मोमेंट था वो। इसीलिए मैंने कहा कि यार वो चेहरे पर चीजें हम सिर्फ मिस कर रहे स्माइल हैं। थी और अंदर बहुत सारी चीजें चल रही थी, तो खुशी की ना ऐसी लहर बार बार उफान मार रही थी। क्योंकि ढेर सारी बातें होती है ना, इतनी सारी बातें हम बोल इतनी नहीं सकते सारी हैं सामने। मेमोरीज, इतनी सारी बातें रहती है कि उससे भी का आप लोगों के लिए, आप लोगों के सामने आप लोगों से शेयर करना, तो हमें भी सारी चीज़ रिकॉल करना पड़ता है कि क्या क्या हमारे मोमेंट हुए थे किस तरीके तो फिर हम गए डॉक्टर के, डॉक्टर बोले नहीं। तेरे उसके बाद हम आ गए वापस होटल में, और होटल में आने के बाद फिर ये चले गए घर, से। और हम लोग वहीं रुक गए थे क्योंकि भीग चुके थे, तो पूरा हमें फिर वापस से मैंने कहा रिफ्रेश था आप करना। लोग जब तक थोड़ा सा फ्रेशन अप होकर रेडी वेडी रहिएगा, मैं भी चेंज करके आ जाता हूँ। अब मैं आ गया घर, अब मैंने जल्दी से नहाया, भगवान की पूजा पाठ किया, और फिर पहना शर्ट जीन्स पहना, और बस निकल ही रहा था कि मेरी शर्ट की जो कफ होती है इसकी बटन टूट गई। और टूट गई तो मैंने ये भी नहीं किया कि यार मैं शर्ट ही चेंज करके कुछ और पहन लूं, नहीं भाई साहब, बढ़िया इसको मोड़ माड़ के ऐसा एकदम, और गाड़ी निकल स्टार्ट किए, और बारिश हो रही थी तो शूज भी नहीं पहन पा रहा था, और मुझे सैंडल पहनना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो गए। जो पहली मुलाकात हुई है तो मतलब वो तो मैं मिल लिया, फिर जब मैं चेंज करके ना, मैं ना शर्ट चेंज करके जा पाया, मैंने उसको बढ़िया फोल्ड आउट कर लिया, शूज मेरे वैसे भीग गए थे, मैंने शूज दूसरे भी नहीं ट्राई किया, मैंने सैंडल पहना और बाइक स्टार्ट किया, हेलमेट लगाया और निकल गया। निकल गया तो रास्ते में मुझे लगा कि यार कुछ नाश्ता ले लेना चाहिए, तो मैंने बढ़िया गर्मा गर्म समोसे वो पोहा और जलेबी पैक करवाया और लेकर सीधे पहुंच गया होटल। और मुझे ना खुद में खुद के ऊपर गुस्सा आ रही कि साला कभी मैं इस तरीके से नहीं रहता हूँ, आज मैं शर्ट फोल्ड करके सैंडल पहन के आ रहा हूँ, आज मुझे और अच्छे से आना भाई वो चाहिए। मौसम ही ऐसा था, क्या करते हैं मतलब इतनी बारिश के बाद कंटिन्यू फिर बारिश मौसम हो रही कैसा थी, हो जाता बारिश है, रुकी ही ऐसे ही नहीं, था। मतलब 11 तारीख को पूरे दिन बारिश हुई है, बारिश उधर बिल्कुल भी भी नहीं रुकी, बारिश हुई है पर तो उतनी गर्मा गर्म मतलब ऐसी झमाझम बारिश में गर्मा गर्म पोहा जलेबी लेके मैं पहुंचा। और तब इन्हें मालूम चला कि मुझे वैसे जलेबियां बहुत ज्यादा पसंद है, और गर्मा गर्म हो तो क्या बात है, होता है ये फर्स्ट टाइम भी कुछ लेकर आए तो मेरी पसंद की चीज लेकर आए। जबकि मुझे लिटरली नहीं मालूम था, मतलब बातें हमारी हुई है पर ऐसी नहीं हुई कि मुझे जलेबी पसंद है कि ये पसंद है वो, मतलब वो कोइंसिडेंटली हुआ, लेकिन बिल्कुल सही चीज हुई। जैसे मैं जलेबी मतलब निकाला पैकेट से और जब पोहा निकाला तो मम्मी बोली अरे वाह जलेबी, जलेबी तो प्रिया को बहुत पसंद है। मैंने कहा अरे भाई आज तो इम्प्रेस कर दिए तुमने। फिर हम निकल गए। इंप्रेस कर लिया। हाँ
शायद हम निकल गए मम्मी को दिखाने के लिए डॉक्टर को। नहीं डॉक्टर को दिखाने के लिए नहीं गए, हमने नाश्ता करे फिर हॉस्टल गए। अच्छा उसके बाद हम हॉस्टल गए, हॉस्टल में इनका पूरा सामान रखे हैं, फिर वहाँ पे मतलब फॉर्मेलिटीज जो होती है उसमें लोकल गार्जियन की बात जब आई तो मम्मी ने बोली कि जब इन्होंने ही हॉस्टल देखा है और ये खुद ही है यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तो इन्हीं का नाम इन्हीं का नंबर हो, तब तो फिर वहाँ पर लोकल गार्जियन में मेरा नंबर मेरा नाम था कि कुछ भी हो तो वो लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो जरूरत हो या जैसे भी इमरजेंसी पड़े तो वो लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, इसकी मम्मी ने ही उन्हें परमिशन दी थी। फिर उसके बाद हम लोग वापस से होटल आए हैं तो मम्मी को बोला कि थोड़ा सा आप रेस्ट कर लीजिए फिर चलते हैं डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर के लिए थोड़ा सा टाइम था जाने के लिए, हमें बंसल हॉस्पिटल जाना था उस दिन। तो हमने कहा भी जब टाइम है तो मैंने इनको बोला कि चलिए चलते हैं। तो वो दिन था पहली बार जब ये मेरी बाइक के सीट पर बैठी थी और हम लोग वहाँ से कहाँ गए थे ये आपको बताएंगे हम नेक्स्ट पार्ट। लेकिन वो फर्स्ट टाइम था 11th जुलाई 2015 जब ये मेरी बाइक की बैक सीट पर बैठी, यार वो फीलिंग ही क्या गजब की थी। थैंक यू सो मच, मैं तो आप लोगों को बार बार थैंक यू बोलूंगा क्योंकि ये स्टोरी आपकी वजह से ही हम लोग दोबारा से शेयर कर पा रहे हैं एंड हमारे लिए ना मतलब ये वापस से उस जर्नी को जीने के बराबर है। ये मेरी लाइफ का ना सबसे बेस्ट टॉपिक है, इस पे आप चाहे जब कभी भी मुझसे बात करवाएं। बस एक चीज रह गई कि मैं पहली मुलाकात में ना रेडी होके नहीं मिल पाई। हाँ बिना ब्रश के मिली, बिना ब्रश बिना मेकअप के और पर जो मैंने सिर्फ सिंपल ब्लैक कलर का जींस और व्हाइट कलर का टॉप पहना हुआ था प्रिंटेड वाला, इसमें ग्रे ग्रे कलर का था जब टी शर्ट थी फुल स्लीव्स की वो, पर जो लोग दिल को भा जाते हैं ना उनको मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो है यार आपने मेरे दिल ही चुरा लिए, जिंदगी में कोई कभी आए न रब्बा। सो ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी लव स्टोरी कैसी लग रही है, हम दिल से शेयर कर रहे हैं एंड जितना ज़्यादा हो सकता है हम उतना ही डिटेलिंग में आपके साथ सारी चीज़ें लेकर आ रहे हैं एंड हाँ हम फोटोज़ भी शेयर करेंगे पर उसका एक प्रॉपर अलग वीडियो बनाएंगे ताकि हम बताते जाएंगे कि कब की है कैसे क्या हुआ सारी चीज़ें, जब आपको स्टोरी पता रहेगी ना तो आप आराम से उस वीडियो को इंजॉय कर पाएंगे। सो बस ये है, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डेली व्लॉग्स अभी हमारे आ रहे हैं दूसरे चैनल पर जिसका नेम है द आइकॉनिक गर्ल प्रिया, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो डेली व्लॉग्स पे आप वहाँ हमसे डेली लाइफ से कनेक्टेड रहिए एंड यहाँ लव स्टोरी एंजॉय करते रहिए। बाय बाय, लव यू ऑल।